आईफोन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी अपना स्टोर खोल लिया है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने साकेत में इसका उद्घाटन किया। एप्पल ने साउथ एशिया के किसी देश में पहली बार अपने स्टोर खोले हैं। दुनिया के 20 से भी ज्यादा देशों में एप्पल के स्टोर हैं, लेकिन ये साउथ एशिया का पहला स्टोर है जो भारत के मुंबई के बाद दिल्ली में भी खुला है। दिलचस्प बात यह है कि एप्पल का हर स्टोर अपने आप में अनोखा होता है, साथ ही इनमें कस्टमर्स को एक अलग तरह का अनुभव भी मिलता है। दुनिया भर में एप्पल के स्टोर्स के बाहर भारी भीड़ देखने को मिलती है। यही वजह है कि भारत के ग्राहकों को भी एप्पल स्टोर खुलने का बेसब्री से इंतजार था। भारत में एप्पल के 20% ग्राहक मुंबई और दिल्ली में हैं। शायद यही वजह है कि कंपनी ने सबसे पहले इन्हीं दो शहरों में अपने स्टोर खोले। टिम कुक ने दिल्ली में एप्पल के पहले स्टोर में कस्टमर्स का स्वागत किया। सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में स्थित इस स्टोर को एप्पल साकेत का नाम दिया गया है। कंपनी के इस स्टोर का डिजाइन दिल्ली के कई दरवाजों से प्रेरित है। हालांकि ये आकार में मुंबई वाले स्टोर से काफी छोटा है। मुंबई वाला स्टोर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो ड्राइव वर्ल्ड में स्थित है। दिल्ली वाले स्टोर का आकार मुंबई स्टोर से करीब करीब आधा है, जबकि किराया करीब बराबर ही है। एप्पल के दिल्ली स्टोर में करीब 70 लोगों की रिटेल टीम होगी। इनका ताल्लुक 18 राज्यों से है और वो 15 से ज्यादा भाषाएं जानते हैं। वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने में मदद करेंगे, साथ ही प्रोडक्ट्स के बारे में ग्राहकों को पूरी ट्रेनिंग और जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा। हैंड्स ऑन टेक्निकल और हार्डवेयर सपोर्ट के लिए कस्टमर एप्पल साकेत के जीनियस बार में अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और एक्सपर्ट से मदद भी ले सकते हैं। एप्पल साकेत में व्हाइट ओक टेबल्स के साथ यूनिकली डिजाइंड कवर्ड स्टोर फ्रंट है। इनमें कंपनी के प्रोडक्ट्स और एसेसरीज को शोकेस किया गया है। ये स्टोर कार्बन न्यूट्रल है और इसमें 100% रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल दिल्ली स्टोर के लिए हर महीने करीब 40 लाख रुपए किराया देगी, जबकि मुंबई स्टोर का हर महीने का किराया करीब 42 लाख है। एप्पल का साकेत स्टोर राजधानी के कई दरवाजों से प्रेरित है और ये दिल्ली की समृद्ध विरासत में एक नए अध्याय की शुरुआत है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।